हेलो फ्रेंड्स, यदि आप अपना या अपने फैमिली मेंबर या फिर आपकी साइबर कैफे की शॉप है तो आप अपने कस्टमर का 2024 या 2025 में नया पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ आधार कार्ड से। अगर आपको पैन कार्ड बनाने के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं है तो आपका इस वीडियो में वेलकम है। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है और आपके मन में होने वाले डाउट्स को क्लियर करेंगे वीडियो के लास्ट में। 3, 2, 1। न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है NSDL पैन कार्ड। इतना टाइप करने के बाद इसको सर्च कर देंगे। NSDL पैन कार्ड बनाने की संस्था का नाम है। इसके बाद पहली वाली लिंक ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 ये वाले ऑप्शन को। इसके बाद कैटेगरी में हमें सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल, मतलब कि सिंगल का पैन कार्ड बना रहे हैं। इसके बाद टाइटल में अब हमें सेलेक्ट में क्लिक करके श्री, श्रीमती, कुमारी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर। इसके बाद जिसका भी पैन कार्ड बना रहे हैं उसका लास्ट नेम या सर नेम, फर्स्ट नेम इंटर करना है। इसके बाद उसका मिडिल नेम इंटर करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है जो कि आधार कार्ड में लिखी हुई है। इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद कॉन्सेंट देंगे, मतलब कि बॉक्स में टिक करेंगे। कैप्चा कोड डालेंगे, ये जो ऊपर लिख रखा हुआ है। सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। इस टोकन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है कहीं पे। कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म में अब हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद जिस मेथड से हम आपको पैन कार्ड ऑनलाइन करने के बारे में बता रहे हैं, अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी भेजने की जरूरत नहीं होगी। आपका पैन कार्ड आपके एड्रेस में बाई पोस्ट आएगा। इस वजह से हमें पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है, सबमिट डिजिटली थ्रू e-KYC एंड e-साइन पेपरलेस वाले ऑप्शन को। इसके बाद फिजिकल पैन कार्ड की रिक्वायर्ड है, इस वजह से पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद अब आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक इस वाले बॉक्स में फिल करने हैं। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके आधार कार्ड में फोटोग्राफ है वही आपके पैन कार्ड में प्रिंट होकर आएगी, तो हमें सेलेक्ट में क्लिक करके यस में टिक करना है कि ठीक है। इसके बाद अब हमको अपने जेंडर को सेलेक्ट करना होगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो आपको यस वाले सर्कल में टिक करना है। आपको नेम फिल कर देना है, नहीं तो नो वाले में टिक रहने देंगे कि हमारा कोई दूसरा नाम नहीं है। इसके बाद अगर आपकी मदर आपकी सिंगल पेरेंट्स हैं तो आपको यस वाले बॉक्स में टिक करना है, अदरवाइज नो वाले बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद फादर नेम के बारे में आपको बताना होगा। एक पॉइंट का ध्यान रखना, शादीशुदा जो औरतें होंगी उनको भी अपने फादर का नेम इंटर करना है, ना कि अपने हस्बैंड का नेम। इस पॉइंट का ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक मत करना। फादर का लास्ट नेम या सन नेम इंटर करेंगे। इसके बाद फादर का फर्स्ट नेम इंटर करेंगे। इसके बाद फादर का मिडिल नेम इंटर करना है। इतना करने के बाद आपको मदर नेम ऑप्शनल है, माता का नाम नहीं फिल करना है। आपके पैन कार्ड में आपके फादर का नेम प्रिंट होके आएगा, तो देखो पहले वाले सर्कल में टिक रहने देना है। स्क्रॉल अप करके ऊपर की ओर जाएंगे, सेव ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको अपने इनकम सोर्स के बारे में बताना होगा। हमारी आय किस सोर्स से होती है, हम सैलरीड पर्सन हैं या फिर हमारी इनकम बिजनेस से होती है या फिर हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्सेज से, कैपिटल गेन से, नो इनकम, हमारी कोई इनकम नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है। इसके बाद अब हमको अपने कंट्री कोड को सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं तो इस वजह से हम कंट्री कोड में इंडिया 91 को सेलेक्ट करेंगे। एरिया स्टडी कोड में कुछ नहीं डालेंगे। इसके बाद सेव ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमको अपना एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। इसके बाद पिन कोड डालेंगे। ऊपर की इंफॉर्मेशन एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर को जानने के लिए हमें अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। जैसे एरिया का पिन कोड डालेंगे आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर आपका ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। पिन कोड आपके आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है। सेव ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन देना होगा, सेलेक्ट में क्लिक करेंगे। हिमसेल्फ हरसेल्फ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है हमें। प्लेस में अपने सिटी का या फिर अपने विलेज का नेम इंटर करेंगे। इसके बाद सेव ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। अब हमें अपनी डिटेल्स को कंफर्म करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमको अपने आधार कार्ड की स्टार्टिंग के 8 डिजिट इंटर करने हैं। इतना करने के बाद हमको अपनी इन्फॉर्मेशन को सही से चेक कर लेना है। कोई मिस्टेक है एडिट में क्लिक करके अभी आप एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही होने की कंडीशन में आपको प्रोसीड में क्लिक करना है। इसके बाद अब हमें 107 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप पेटीएम से कर सकते हैं या फिर बिल डेस्क से कर सकते हैं, जिससे भी करना चाहें। इनमें से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 106.90 रुपये का पेमेंट हमें करना होगा। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे। पेमेंट को अब हमें कंफर्म करना है, पे कंफर्म में क्लिक करेंगे। अब हमें ये सीधा पेमेंट मेथड में रिडायरेक्ट कर देगा। हम पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड को स्कैन करके वैलेट से या यूपीआई से जिससे भी करना चाहें, इनमें से आपको एक ऑप्शन को आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। हम क्यूआर से करने वाले हैं, क्यूआर में क्लिक किया। इसके बाद भीम यूपीआई को सिलेक्ट किया, मेक पेमेंट फॉर 106.90 रुपये में क्लिक किया। अब इस क्यूआर को स्कैन करके आपको पेमेंट अपना 5 मिनट के अंदर अंदर करना होगा। 5 मिनट के बाद ये आपका क्यूआर कोड एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद अब आपको लगभग 1 मिनट का वेट करना होगा। ना तो आपको अपने पेज को रिफ्रेश करना है, ना ही आपको अपने ब्राउज़र को क्लोज करना है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। इसके बाद आपके सामने आपके पेमेंट की रिसिप्ट आ जाएगी और आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ पे सक्सेस दिखाएगा, मतलब कि पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। अब हमें आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा, बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद ऑथेंटिकेट में क्लिक करेंगे। जैसे ऑथेंटिकेट में क्लिक करेंगे ग्रीन टिक बन के आ जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू विद ई-KYC इस वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको OTP को डालना होगा, आपके मोबाइल नंबर में OTP जाएगी। OTP को डालने के बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। अगर OTP नहीं गई हुई है तो आपको रीजनरेट OTP वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर में OTP पहुंच जाएगी। OTP डालो, सबमिट में क्लिक करो, कंटिन्यू विद साइन में क्लिक करो। इसके बाद बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर को एंटर करना है, सेंड OTP में क्लिक करेंगे। अपने आधार नंबर को देखने के लिए आपको आई बटन में क्लिक करना है तो आपका आधार नंबर दिख जाएगा, आपने आधार नंबर सही डाला है या गलत। आपके मोबाइल नंबर में OTP जाएगी, आपको OTP को यहाँ पे डालना है। इसके बाद वेरीफाई OTP में क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी हमने आपको प्रोसेस बताया है, अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया होगा तो अब आपको अपने डॉक्यूमेंट को कहीं पे भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड PDF में क्लिक करेंगे। इसके बाद इस PDF को ओपन करेंगे। इस PDF को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे पासवर्ड की रिक्वायर्ड होगी, तो सबसे पहले पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ डालने का जो सही तरीका है हमने वीडियो में एग्जाम्पल के रूप में समझा रखा हुआ है। इसके बाद जो भी आपने फॉर्म फिल किया है आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा, इस नंबर की हेल्प से आप अपने स्टेटस को टाइम टाइम पे चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करते टाइम, इन पॉइंट्स को विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, सरनेम वाले बॉक्स में आपको बहुत ही केयरफुली इन्फॉर्मेशन को फिल करनी होगी। जैसे किसी का नाम आशीष कुमार मिश्रा है तो उसका फर्स्ट नेम आशीष, मिडल नेम कुमार एंड लास्ट नेम या सरनेम मिश्रा होगा। लेकिन जैसे किसी का नाम राजू है तो हमें फर्स्ट नेम, मिडल नेम वाले बॉक्सेस को खाली छोड़ देना है और लास्ट नेम या सरनेम वाले बॉक्स में उसका नाम राजू फिल किया जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, आपको ईमेल आईडी सिर्फ अपनी ही डालनी है, ना कि दूसरे की, क्योंकि आपके पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी का PDF आपके ईमेल आईडी में आएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, आपको हमेशा ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि OTP आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगी। इस प्रोसेस को वही व्यक्ति फॉलो कर सकता है जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ डाउट्स के बारे में। डाउट नंबर फर्स्ट, आखिरकार पैन कार्ड कितने दिन में आएगा और कैसे आएगा? तो आपको बता दें कि आपका पैन कार्ड आपके एड्रेस में बाई पोस्ट 15 दिन से लेकर 40 दिनों के बीच में आएगा। सेकंड, जब आपका पैन कार्ड आएगा तब आपके पैन कार्ड में एक व्हाइट कलर की पट्टी मिलेगी, उस पट्टी में आपको किसी परमानेंट मार्कर की हेल्प से अपने साइन कर लेने हैं। इसके बाद आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं पर भी करो, लेकिन पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करने के बाद पैन कार्ड वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड है, उसको आप देख सकते हैं, या फिर हमने वीडियो के एंड स्क्रीन में उस वीडियो को लगा दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लेना। अगर आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हमें या हमारी टीम को टाइम मिलेगा तो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेगी। थैंक यू।